राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। हैशटैग राम राम आर्मी लिख के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भाई, आज की जो वीडियो है इस गाड़ी के एक ऐसे मैजिकल फीचर के बारे में जो शायद आपको ना पता हो। पता होगी तो बहुत अच्छी बात है, बट भाई वो मैजिकल फीचर होने के साथ साथ जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर भी है। और दूसरी चीज़ पता होगी, सेफ्टी फीचर भी है। मतलब सीन ये होता है कि भाई अपनी जो गाड़ी होती है रात को चलाने में बहुत दिक्कत आती है, बट ऐसा फीचर है जो शीशे काले कर देता है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि एक्चुअल मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एंड तक देखिएगा, और नीचे जो है अपने दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको, सेफ ड्राइव नाम से है, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी मदद से वो चैनल थोड़ा बड़ा होगा। एनीवेज भाई, बिना टाइम से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई, इस गाड़ी में इतने सारे हिडन फीचर्स हैं, इतने ज्यादा हिडन फीचर्स हैं कि जिनके हम लिस्ट बनाएं तो भी कम होगा। बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से जैसी भी हो गाड़ी, बट फीचर्स की पूरी एकदम लैस है फीचर से ये। तो अब जो है मैं कुछ फीचर्स आपको बताने, एक ऐसा फीचर बताने वाला हूँ जो सेफ्टी के लिहाज से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, और ये मैजिकल फीचर भी है। शायद आप में से बहुत से भाई लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो इस वीडियो को एंड तक देखोगे आपको समझ आ जाएगा। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप भी जो है अपनी गाड़ी में प्लीज ये करिएगा, ठीक है। तो भाई ये जो मिरर है ये टॉप एंड वेरियंट में कुछ अलग टाइप का आता है। यहाँ पे लाइट जलती दिख रही होगी आपको, ठीक है। ये लाइट दिख रही है ना आपको, एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑटो लिखा हुआ है, इधर दिख रहा होगा आपको कि ऑटो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, ठीक है। और जैसे इस ऑटो मोड को बंद कर दूंगा मैं तो ये लाइट भी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि कितना इंपॉर्टेंट फीचर है। अब सीन क्या बताता हूँ भाई, पीछे से अगर कोई गाड़ी आ रही होती है तो आंखें चुंधिया जाती हैं पूरी तरह से। कोई फॉर्च्यूनर आ रही होगी, कुछ भी आ रही होगी, तो आंखों में इतनी तेज पड़ता है ना, ब्लाइंड हो जाते हैं। यहाँ से आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूँ अगर बात बनेगी तो भाई यहाँ देख सकते हो ऐसा कुछ होता है। एक मिनट, हाँ भाई, ऐसा कुछ मंजर होता है जब आंखों में एकदम से जो है रिफ्लेक्शन लगने लग जाती है। यहाँ से अब लग रही होगी, तो भाई मैं एकदम तो सिनारियो ऐसा बना नहीं सकता हूँ जैसा अपनी फॉर्च्यूनर वॉर्चुनर करेगी, बट हाँ ऐसा कुछ होता है कि आंखों में एकदम से रोशनी जो है तेज लगती है। तो भाई इन शीशों को तो हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ठीक है, कि चलो हमने शीशे क्लोज कर दिए, आंखों में रोशनी लगेगी। पर भाई ये हमारा बैकअप शीशा रहता है, और ये इसमें जब पीछे से कोई गाड़ी मारती है तो आप देख सकते हो फिर से कितना तेज है रिफ्लेक्शन लगती है, और इसकी इतनी नहीं लगती जितनी इस शीशे की लगती है, आंखों को पूरा एकदम पागल कर देती है, ठीक है। तो भाई जितने भी बेस वेरिएंट होते हैं उन सब में यही हाल होता है, या फिर जिसमें ये ऑटोमेटिक वेरियंट नहीं आता, ठीक है, इस ऑटो को शीशे का शीशा नहीं आता। भाई मैं पहले बता सकता हूँ, पहला बता देता हूँ आप लगवा सकते हैं, सब कुछ बता दूंगा कहाँ से लगवाना है कैसे लगवाना है, वो एंड तक देखिए आपको समझ आ जाएगा। तो भाई अपने को क्या करना है, अभी मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ, अकेला इंसान हूँ इसलिए यहां से एक बार ऑटो दबाता हूँ और फिर मैजिक देखिएगा। ऑटो मैंने दबा दिया भाई, नहीं दबा, एक मिनट। अब जो है ऑटो दबने के बाद भाई देखो एकदम जो रोशनी है वो ग्रीन हो गई है, और जो रिफ्लेक्शन है वो सारी की सारी एकदम खत्म हो गई है, नेग्लिजिबल रिफ्लेक्शन, एकदम नेग्लिजिबल। यहां से जो है मेरे को फ्लैश इसमें दिख रही है, शायद आप एक मिनट में अगर फोकस करो तो आपको पता चल जाएगा। आई डोंट नो कि इसका ब्राइटनेस कैसे कम करते हैं, जो भी है भाई फोकस करने पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो रिफ्लेक्शन है वो एकदम कम हो जाती है, और जो है मैं जैसे इसको ऑटो से बंद करूंगा तो आपको दिखेगा कितनी ज्यादा जो रिफ्लेक्शन देख सकते हो भाई, ये ऑटो से बंद होने के बाद कितनी ज्यादा जो रिफ्लेक्शन है वो बढ़ चुकी है इसकी, और आंखों पे बुरी तरह से लग रहा है, बुरी तरह से लग रहा है, एकदम रिफ्लेक्शन आती है। और जो शीशा है वो नॉर्मल शीशा जैसा ऑपरेट करने लग जाता है जैसे हम ऑटो मोड से हटा देते हैं, पर जैसे ही मैं इसको ऑटो पे करूंगा तो यही शीशा भाई ये ग्रीन कलर का हो जाता है, ये शीशा ग्रीन कलर का हो जाता है, उसके बाद कोई रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन नहीं आती और आप जो है अपनी गाड़ी को एकदम सेफली ड्राइव कर सकते हैं। और भाई इसका अंदाजा आपको ऊपर से ही लग रहा होगा रोशनी से, जैसे ऑटो मोड से हटाऊंगा तो रोशनी एकदम डबल हो जाती है क्योंकि ऑटो मोड से हट चुका है, और अभी हट चुका है, और उसके बाद देख सकते हैं कि ऊपर भी पूरी रोशनी एकदम तेज हो जाती है और आंखों में तो लगती लगती है। तो भाई इसको ऑन करने का बता देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा आपकी गाड़ी में, यहाँ से लाइट ऑन कर देता हूँ फिर मैं आपको समझा देता हूँ इसका पूरा फीचर क्या है। तो भाई इसको ऑन करने के लिए आपको जो है यहाँ पे ऑटो पे दबाना होगा, और जैसी ग्रीन लाइट आ जाएगी तो ये ऑटो मोड ऑन हो जाएगा, और जैसे ही आप इसको हटा दोगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अभी देखता हूँ कि शायद से काम करे या ना करे, आपको एक एग्जांपल मिल जाएगा। अभी कोई लाइट नहीं आ रही इसलिए रिफ्लेक्शन नहीं है, और जैसे ही मैं लाइट पीछे से मारूंगा तो देखने ग्रीन हो जाएगी स्क्रीन, तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन ग्रीन हो चुकी है, और अब फोन भी जो है मेरा इतने अच्छे से नहीं दिख रहा होगा आपको जितना पहले दिख रहा था, इसका अंदाजा आपको इसे लग ही गया होगा कि कितना कैसे काम करता है। और मैं हटाऊं एक बार फोन तो आपको दिखेगा, जैसे ही मैं अपने आईफोन को हटाता हूं तो ये स्क्रीन है एकदम सिंपल मिरर की तरह काम करेगी, और जो मेरा हाथ में मैंने फोन पकड़ रखा है दूसरा वाला जिसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो आपको एकदम साफ दिखेगा, यहां से देख सकते हो जैसे ऑटो मोड इसका बंद होने वाला है। तो
भाई ऑटो मोड बंद होने के बाद आपको दिख रहा होगा कि एकदम जो है बढ़िया से अपनी जो स्क्रीन है वो दिख रही है, और ये पहले नहीं दिख रही थी क्योंकि पीछे से गाड़ी इसने डिटेक्ट करा कि कोई गाड़ी आ रही है या रोशनी आ रही है, उसकी वजह से जो है इसने पूरे शीशे को ग्रीन कर दिया और जैसे ही वो गया तो वापस अपना शीशा है नॉर्मली वो वर्क करने लग गया। तो भाई ये फीचर आप जरूर लगवाइएगा आपकी गाड़ी में। टॉप एंड वेरियंट मैंने इसलिए लिया था बिकॉज बहुत सारे बंडल्ड फीचर्स आ रहे थे, तो ये मेरे हिसाब से सेफ्टी के लिहाज से भी बहुत ज्यादा बढ़िया फीचर है, और साथ ही साथ ये अपना मतलब एक मैजिकल टाइप भी फीचर है। यहां से आपको दिख रहा हूँ मिनटो मिनट में एक्टिवेट हो जाता है, एकदम से एक्टिवेट हो गया ऑफ हो गया, ठीक है। अच्छा मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ एक, यहाँ पे फर्क क्या पड़ता है दोनों का। ऑफ करने के बाद भाई ऐसा है कुछ, ठीक है, यहाँ पे ऑफ करने के बाद ऐसा है और ऐसा कुछ है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा और दिख रहा है ना एकदम बढ़िया दिख रहा है कि फोन पे भी रिफ्लेक्शन पड़ रही है, और जैसे इसको ऑन कर देता हूँ तो भाई आप देखिएगा कैसा होगा, ये देख सकते हो ना फोन पे रिफ्लेक्शन पड़ रही है ना कुछ पड़ रही है। तो ये है भाई लाइव डेमो अपना इस मैजिकल मिरर का, और मजा सा आ गया था मेरे को भी, मतलब मैंने सोचा अपने भाइयों के साथ भी शेयर कर दूं। तो भाई आप शोरूम पता कर लीजिएगा कि ये आपके वहां पे वेरिएंट अवेलेबल है यानी शीशे का मिरर का नहीं, और अगर हो तो प्लीज लगवा लीजिएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 या 7 हजार रुपए का आपको पड़ेगा ये, या उससे भी कम पड़ सकता है, ठीक है। तो भाई कैसे लगा प्लीज लिख के बताइएगा। अरे लाडलू जैसे कि आपने देखा होगा भाई मैंने इसका आपको एक फीचर दिखाया, भाई बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, बहुत अच्छा फीचर है सेफ्टी के लिहाज से भी और वैसे भी। कैसा लगा आपको फीचर कमेंट सेक्शन लिख के बताएगा, आपके पास कौन सी गाड़ी उसमें फीचर है या नहीं, उसमें मिरर आता है या नहीं वो भी मुझे लिख के बताइएगा, एंड आप लोग कहाँ से वो भी लिख के बताइएगा। खैर भाई लोग आज की वीडियो से इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।